हेलो एवरीवन, एडी हियर एंड वेलकम बैक टू एडी गेमिंग। तो यार, आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो कैप्चर द ऑब्जेक्टिव मोड है ना, इसमें मल्टीप्लेयर वाले सेक्शन में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में, उसका क्या सीन वगैरह है। तो बेसिकली ना इसमें तीन पॉइंट्स होते हैं, ए बी और सी। तो इसमें आपने हर पॉइंट पर जाकर आप मेरे ख्याल से 10 या 20 सेकंड्स के लिए खड़े होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अभी अराउंड 10 सेकंड्स ही होते हैं। तो आप या आपका कोई टीममेट वहाँ पर खड़ा होगा ना, तो हाँ, ये अराउंड 10 सेकंड्स का टाइम है, तो वो आपका हो जाएगा। जिस तरह अब ये ए और बी हमारे ब्लू हुए हैं और जो सी है वो रेड है, इसका मतलब जो सी है ना वो हमारा एनिमी ले रहा है, और ये बी भी हमारे किसी एनिमी ने ले लिया। तो वापस यहाँ आके इसके ऊपर मैं खड़ा होऊंगा और ये मार दिया यार, तो ये वापस हमारा हो जाएगा। जितनी देर कोई पॉइंट आपका रहेगा, आपके पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे। लेफ्ट साइड पे, टॉप लेफ्ट पे आपको टारगेट भी लिखा आ रहा है और सात पॉइंट्स आ रही हैं। तो इस तरह आपने ना हर पॉइंट को करना है, और साथ वो पीछे बंदा भी बोलता रहता है कि कैप्चरिंग ए, कैप्चरिंग बी, ए, तो उससे भी आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों को कौन सा पॉइंट लेने हैं। और सबसे ऊपर आप टॉप पर देख रहे हो ए बी और सी है, जो ब्लू हुए हैं इसका मतलब वो हमारे हैं, और जो सी है वो एनिमी के, यानी रेड है। और जिस तरह आप बी के ऊपर ब्लिंकिंग हो रही थी, तो इसका मतलब हमारा एनिमी बी ले रहा था, लेकिन मैंने बचा लिया भाई, आई एम प्रो। तो यार यही सीन वगैरह होता है इसका, और आप वीडियो एंजॉय करो भाई, बड़ी मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में। देखो यार, इस गेम में तो भाई प्रो हूँ मैं, प्रो, आई एम प्रो। अब देखो हमारे 49 पॉइंट्स हो गए, लेकिन ना वो एनिमीज हमारे ले रहे थे, तो ये एक राउंड हमारा पूरा हो गया है। इसके बाद आप दो राउंड जो से टीम जीतेगी ना वो जीत जाती है, मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं तो दोनों राउंड अपनी टीम को जितवा दिए थे। सबसे पहले आप अपने जो स्पॉन बेस के पास वाली जगह है वहाँ उसको कैप्चर करो, एनिमी ने सी कैप्चर कर लिए, फिर बी के लिए जंग होती है। वैसे ना ये मेरा इस मोड का खुद का पहला मैच था, तो पहले स्टार्ट में मुझे भी नहीं समझ वगैरह आई थी कि क्या करना है, फिर बाद में आई है तो फिर अनी पा दी भाई ने। अब दो पॉइंट्स हमारे हुए हैं, हमने अब टारगेट सबका 100 है, और हमारे 50 से ऊपर स्टार्ट हुए, उन लोगों के 38-39 थे जब उनका स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर अब हम लोगों को थोड़ा एडवांटेज था, और हम एडवांटेज का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, इसमें मूवमेंट शूट करोगे ना तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। देखो मैं कॉन्स्टेंटली मूवमेंट शूट कर रहा हूँ। अब पॉइंट हमारा हो गया, तो अब ये भाई आ गए थे पंगा लेने। अब मैं वापस बी की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि बी और सी चोरी हो रहे हैं, तो ये बी को बचा लिया मैंने तकरीबन। अब ये हमारे दो पॉइंट्स के ऊपर इकट्ठे उन्होंने हमला किया है एनिमी ने, और ये मुझे लग रहा है कि मैं शायद मरना चाहूँ, लेकिन बच गया। अब यहाँ पर मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट था ना, तो उसकी वजह से हम लोग जीत सकते थे, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट 100 हुए, वो अभी तक हाफ टाइम पर बैठे हुए थे, और ये हम लोग दूसरा राउंड भी जीत गए, और ये इसकी वजह से विन हमारी हो गई, और MVP भाई को मिलना है। तो यार, जितनी मैंने किल्स की हैं वो तो आप लोगों को एंड से पता चल ही जाएगा, और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबा करके आप लोगों को फ्यूचर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।